हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, बचपन से लेके आज तक आप ना एज वाले सवाल होते हैं उनसे डरते चले आए हो। देखिए दोस्तों, डरने से कुछ नहीं होगा, उसका ना डटकर सामना करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में आज वाले सवालों का ना जड़ से डर खत्म करने वाला हूँ। आप इन सवालों से बिल्कुल भी नहीं डरोगे, मैं आपका ना डर बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। अरे वो वाला डर नहीं, जब भी आप कहीं रात में जाते हो तो डर जाते हो। मैं कोई तांत्रिक वगैरह नहीं हूँ, मैं आपका ना सवालों का डर ख़त्म कर दूँगा। समझते नहीं हो यार। तो आज की वीडियो में मैं आपके एज वाले सवालों का बिल्कुल डर ख़त्म कर दूँगा, जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों, आइए सीखिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, जब भी हम एज वाले सवाल करते हैं तो उसमें आपको ना सबसे ज़रूरी बात क्या पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सी आयु दे रखी है और हमें कौन सी आयु निकालनी है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कौन सी आयु दे रखी है और हमें कौन सी आयु निकालना है। अगर आपने ये पता कर लिया तो भाई फिर तो क्या क्वेश्चन हलवा लगेगा, सामने रखा है खा जाओ, इस तरह से क्वेश्चन हलवा लगेगा। तो आपको ये बात तो ध्यान हो गई, यह बात पता चल गई, अब आपको फिर क्या करना है। देखिए दोस्तों एक छोटी सी मोटी सी एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको, देखिए दोस्तों, अगर आपको ना प्रेजेंट वाली आई दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, प्रेजेंट वाली आई दे रखी है, ठीक है। अगर आपसे अगर पूछ लिया कि भाई ना फ्यूचर की आई बताओ, ठीक है, फ्यूचर की आई बताओ या फिर बाद की आई बताओ, तो आप क्या करोगे। अगर आपसे प्रेजेंट की आई दे रखी है, अगर आपसे पास्ट की आई पूछ ली या पहले की आई पूछ ली, तो फिर आप क्या करोगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ना सिंपल वे में बताता हूँ, सिंपल बिल्कुल भाषा में बताता हूँ। अगर आपको प्रेजेंट की आई दे रखी है, ठीक है, और आपसे ना फ्यूचर की आई पूछ ले, तो उसमें क्या करोगे, आँखें बंद करके ना चुपचाप से ना प्लस कर देना। हाँ दोस्तों, प्लस कर देना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ प्रेजेंट की आई दे रखी है और ना पास्ट की आई बताओ, पहले की आई बताओ, तो आप क्या करना, चुपचाप से आंखें बंद करके ना माइनस कर देना, घटा देना उनकी वर्तमान आय में से। अब ये कैसे हुआ है, देखिए चलिए दोस्तों, मैं आपको ना बता देता हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति की, जो कोई व्यक्ति है ना, उसकी आयु कितनी वर्ष है, मान लो 20 वर्ष है, ठीक है, 20 वर्ष है। अब मैंने पूछा कि भाई बताओ पाँच वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, चुप्पा से प्लस कर देना, तो अपना प्लस कर देना, तो वो ना 5 वर्ष बाद ना 20 और 5 25 वर्ष का हो जाएगा, है ना दोस्तों, 25 वर्ष का हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो व्यक्ति है 20 वर्ष का, फिर मान लो 20 वर्ष का है, और मैंने पूछा कि अगर 5 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का था, तो देख दोस्तों, चुप्पा से आप क्या करना, उसकी आयु में ना माइनस करना। तो पहले था वो 20 वर्ष का, हमने क्या करना है, 5 वर्ष पहले की आयु पता करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, तो वो ना 15 वर्ष का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट वाली आयु दे रखी है, बाद की आयु निकलवाना है, तो उसकी प्रेजेंट वाली आयु में प्लस करेंगे। अगर पास्ट की आयु निकलवानी है, तो उसकी प्रेजेंट वाली आयु में वर्तमान वाली आयु में माइनस कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को धनाधन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको तो हम रख देते हैं साइड में, चलिए मैंने साइड में रख दिया। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब आपको ना बहुत आसान लगेगा, और मैं आपको समझा दूंगा ना तो आपको और ज़्यादा हलवा लगेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है, पिता है पुत्र है, दोनों आपस में अपनी आयु को गुना फुना कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, उनकी आयु का योग दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, निकालना क्या है, दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो वर्तमान आयु निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ना एक और छोटी सी बात बताता हूँ आपके लिए खास। देखिए दोस्तों, जब भी दो व्यक्ति की आयु दे रखी हो, इसमें पिता और पुत्र की आयु दे रखी है, ठीक है ना, बराबर है। अब क्या करना है, हमको आंखें बंद करके चुप्पा से हमें क्या करना है, यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, तो बाद वाला लोग होता ना, उसकी हम सबसे पहले आयु मानेंगे। तो यहाँ पर पिता की आयु हो रही है, ठीक है, पिता की बात हो रही है, और यहाँ पर पुत्र की बात हो रही है, तो हम पहले ना उसकी पुत्र की आयु को मानेंगे। क्या मानेंगे, वर्तमान आयु निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, मान ही तो रहे हैं हम अपनी तरफ से, तो हम क्या करेंगे, माना पुत्र की, ठीक है, पुत्र की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, आयु
हमें नहीं पता है तो मान लेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। तो हम क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए ना एक्स मान लेते हैं, एक्स वर्ष, ठीक है, क्योंकि जो आई होती है ना वो वर्ष में होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसका पिता भी तो है तो हम पिता की आई मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पिता, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु। देखिए दोस्तों अब कितनी होगी, अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो पिता होता है ना पुत्र से बड़ा होता है, पिता पुत्र से बड़ा होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना वर्ष बड़ा है, जो पिता है ना अपने पुत्र से तीन गुना की आयु का है, तीन गुनी आयु का है। तो उसका पुत्र अगर एक्स वर्ष का है तो उसका पिता क्या है, अपने पुत्र से तीन गुनी आयु का है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, अब हमने क्या किया है, पुत्र की वर्तमान आयु निकाल रही और हमने पिता की वर्तमान आयु निकाल ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दे रखा है दोनों की आयु का योग, ठीक है। अगर हम दोनों की आयु को जोड़ दें तो वो 60 वर्ष के बराबर हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों की आयु का योग, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों दोनों की आयु, ठीक है, आयु का योग, ठीक है, योग, योग कितना है यहाँ पर है 60 वर्ष, ठीक है। अब दोनों की आयु को योग करेंगे, दोनों की आयु में यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स वर्ष है उसके पुत्र की आयु, ठीक है, तीन एक्स का है, ठीक है, बराबर कितना है 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीन एक्स और एक एक्स, चार एक्स बराबर 60। अब क्या करेंगे, चार यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा तो एक्स बराबर 60/4, ठीक है। अब चार से हम 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 × 4 और 15 × 4 = 60 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली 15, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ पर केवल सिंगल एक्स है तो एक्स की वैल्यू 15। तो यहाँ पर जो उसका पुत्र है ना वो 15 वर्ष का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हम x की वैल्यू रख दें गुणा x की वैल्यू 15, तो 15 ती होते हैं 45, ठीक है, हमें टेबल याद है, बड़ी आसानी से लिख देंगे 45। तो देखिए दोस्तों उसके पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष और उसके पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को कर दिया है, अब आप भी इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, आप वैसे ही खाम खाम में डरा रहे थे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसी बात पर एक और क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, ठीक है, यहाँ पर जो सुरेश और किरण है ना दो पता नहीं दोस्त या दोस्तियाँ पता नहीं कौन है, ठीक है, तो हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हमें केवल उनकी आयु से मतलब है। जो हमारा सुरेश है ना, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, ठीक है। अब यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, ठीक है, तो हमें सुरेश की उम्र बताइए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कि उनकी हमें वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम माना, ठीक है, माना पहले हम बाद वाले की उम्र को मान लेते हैं, ठीक है, माना, ठीक है, किरण, ठीक है, किरण आ जाएगी यहाँ पर, किरण की उम्र, ठीक है, किरण की यहाँ पर वर्तमान उम्र भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं वर्तमान उम्र लिख देता हूँ, ठीक है, किरण की वर्तमान, ठीक है, यहाँ पर वर्तमान उम्र, ठीक है, उम्र यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक्स वर्ष हमने मान लिए, ठीक है, एक्स वर्ष। आप क्या करेंगे, सुरेश की उम्र मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम सुरेश, ठीक है, सुरेश की वर्तमान उम्र, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है जो सुरेश है ना किरण की उम्र की दोगुनी आयु का है, ठीक है, वो क्या है, किरण से ना दोगुनी आयु का है, ठीक है। तो किरण है एक्स वर्ष का तो सुरेश हो जाएगा उससे दोगुनी आयु का हो जाएगा, ठीक है, 2x आयु का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि दोनों की जो उम्र का योग है ना, अगर हम दोनों की उम्र को अगर हम जोड़ दें प्लस कर दें वो 24 वर्ष के बराबर आता है, ठीक है, अगर दोनों वर्ष को जोड़ दें तो वो 24 वर्ष के बराबर आता है, ठीक है, दोनों की उम्र मिला के 24 वर्ष है, लगता है छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे बच्चे ही होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है, यहाँ प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम दोनों की आयु को जोड़ दें एक्स प्लस 2x बराबर 24 के बराबर आता है, ठीक है, अगर हम दोनों की आयु को प्लस कर दें तो वो 24 वर्ष के बराबर आ जाता है, 2x और 1x 3x बराबर 24, 3 × 3 3×8 = 24, तो x बराबर 8, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें x की वैल्यू निकली है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जो किरण है ना वो 8 वर्ष का है, ठीक है, सॉरी 8 वर्ष की है
ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें किसकी आई निकालनी थी, यहाँ से तो हमें सुरेश की आई निकालनी थी, तो हमने अभी किसकी आई निकाली है, तो हमने अभी केवल किरण की आई निकाली है। चलिए सुरेश की आई निकालते हैं, तो सुरेश की आई क्या है, दुगनी है, 2x है, तो 2 × x की वैल्यू 8, तो 8 × 2 = 16, लो आ गई सुरेश की आई। सुरेश की आई है ना वो ना 16 वर्ष का है, ठीक है, तो इस तरह से हम उसकी आई भी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया, आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अब थोड़ा थोड़ा आप ना क्वेश्चन को इजीली से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद जय भारत।